नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हम आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जनपद अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां पर थाना अमरोहा देहात पुलिस एवं एसओजी सर्विस लाइन टीम द्वारा कोमल काटकर चोरी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का खुलासा किया है और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा का है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय कुमार अनुप सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा राजीव कुमार के मार्गदर्शन में एवं क्षेत्र अधिकारी नौगांव सादात अभिषेक कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थाना अमरोहा देहात पुलिस एसओजी सर्विस लाइन टीम द्वारा कोमल काटकर घरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का खुलासा कर दो साथी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से चोरी की विभिन्न घटनाओं से संबंधित लगभग 5,47,000 रुपए के सोने व चांदी के आभूषण, 5,24,700 रुपए नगद, अवैध असले कोमल काटने का सामान व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त एवं संदिग्ध दोपहिया वाहन बरामद किया गया है। अमरोहा से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। देखिए, अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आमतौर पर हम हमेशा अभियान चलाते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थोड़ा बढ़ गई थी, तो हम लोगों ने इस पर वर्कआउट किया और एक गैंग का खुलासा किया है जो लोगों के घरों में जाकर कुमल काटकर चोरी करता है। इसमें अभी इनके दो सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एक इनका सदस्य है वाजिद उर्फ भूरा, जिसकी एज लगभग 49 साल की है और ये हमारे डिडोली क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त है खुर्शीद, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है और ये असमौली का रहने वाला है। इन लोगों के पास से हमें लगभग 5.5 लाख रुपए के आभूषण और 5.25 लाख रुपए नकद हमें प्राप्त हुए हैं, जैसा आप सब लोग यहाँ देख भी रहे होंगे। और साथ ही इनके पास से असलहे चाकू और अवैध ये हथियार और एक बाइक और ये सब सारी चीजें बरामद हुई हैं। हमारी कई सारी चोरियां इसमें आ रही हैं, लगभग हमारे क्षेत्र में 4 से 5 चोरियां तो अभी पिछले कुछ दिनों की हैं, इसी महीने की हैं, जिनमें इन्होंने कई सारी चोरियों को करना संलिप्त अपने बताया है। और प्लस साथ ही ये यहाँ के अलावा ये मुरादाबाद और काशीपुर वगैरह में भी चोरियां करते रहे हैं ये। हाँ, अभी इनके अलावा एक हमारा अक्यूज्ड है अली वारिस और उसके कुछ और अज्ञात साथी भी अभी हमारे ये रडार पे हैं, जो भी पकड़े नहीं गए हैं, उनके लिए भी हमारी टीम प्रयासरत है। बरामदगी इनके इसने वाजिद के तो वाजिद ने ज्वार के खेत में अपने छुपा रखा था, उसमें गाड़ के, और जो खुर्शीद है इसने अपने अनाज की टंकियों में अपने गहने और पैसे सब छुपा रखे थे, जहाँ से बरामद हुए हैं। टीम को पुरस्कार के रूप में हमारी तरफ से इनको प्रोत्साहन है, प्लस हमारे सीनियर अधिकारी इस बारे में अपना वो निर्णय लेंगे और उनकी तरफ से दिया जाएगा। ये इसमें हमारी अमरोहा देहात की पूरी टीम और हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम इसमें लगी रही, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये बढ़िया काम रहा है उनकी तरफ से।